मेरे प्रिय भाई और बहन, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे हिंदुओं की प्रमुख भगवान श्री कृष्ण के बारे में, जो कि हिंदुओं का भगवान में से एक है। हमारा भारत में हर घर में श्री कृष्ण को भगवान के रूप में माना जाता है। आप हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या फिर मुस्लिम हो, आप जो भी हो ना क्यों, आप महाभारत युद्ध के बारे में जरूर सुना होगा। और ये युद्ध कौन करवाया था? यह कृष्ण ही करवाया था। लोगों के बीच शत्रुता उत्पन्न करके श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध करवाया था। और उस युद्ध में जितने भी लोग अपना अपनों को खोया था, उन्होंने श्री कृष्ण को जिम्मेदारी ठहराया था। बहुत सारे लोग श्री कृष्ण को श्राप भी दिया था, ऐसे कि श्री कृष्ण के खुद की माँ ने भी श्री कृष्ण को श्राप दिया था और कहा था, जैसे तो इन लोगों को आपस में लड़वाया और मरवाया, इसी तरह तेरे साथ भी होगा। जब महाभारत युद्ध खत्म हुआ, श्री कृष्ण अपने घर मथुरा को चला गया। जब मथुरा में वो शांति से रह रहा था, तब जरासंध नामक एक राक्षस श्री कृष्ण के नगर को वो आक्रमण कर दिया था। सिर्फ एक ही बार नहीं, जरासंध जो राक्षस था वो बार बार श्री कृष्ण और उनकी राज्य के ऊपर आक्रमण किया करता था। और जरासंध का इस बार बार आक्रमण को डरते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाग गया, उस जगह को छोड़कर भाग गया। देखिए, खुद को ईश्वर मानते हुए जो कृष्ण खुद को ईश्वर कहता था, वो क्या हुआ, वो भयभीत होकर वो भाग गया। और जितने लोग रह गए थे, बच गए थे, उन सारे लोगों को लेकर उन्होंने द्वारिका नगरी उन्होंने तैयार किया, जिस नगर समुद्र की बीच में था। श्री कृष्ण का जो पुत्र लोगों ने थे, जितने भी पुत्र थे, उनमें से बहुत सारे पुत्र खत्म हो गए थे और युद्ध के बाद। लेकिन उसके पहले एक घटना हुई थी, उनके पुत्रों ने जितने भी थे वो बहुत द्रुत और दुष्ट थे। उन लोगों ने क्या करते थे, जितने भी लोग थे उन सारे लोगों को परेशान करते थे। और जब कृष्ण द्वारिका में शांति में थे, तब कुछ मुनि ऋषि ने उस जगह को आए। श्री कृष्ण का जो पुत्र थे उन्होंने उस मुनि ऋषियों के साथ भी छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया था। तो क्या हुआ, श्री कृष्ण के जितने भी पुत्र थे उन पुत्र में से एक पुत्र एक स्त्री का वेश धारण करके अपना पेट के अंदर एक लोहे को रखकर और पेट के ऊपर कपड़ा बांधकर उन्होंने उन ऋषि के पास आए। और श्री कृष्ण के एक पुत्र ने ऋषियों को पूछा, देखो ये स्त्री गर्भवती है, क्या तुम बता सकते हो इनके गर्भ में पुत्र है या फिर कन्या है, बेटा है या फिर बेटी है। श्री कृष्ण का जो पुत्र थे उनका इस व्यवहार से मुनि ऋषियों ने बहुत मात्रा में उन्होंने क्रोधित हो गए थे। उन्होंने इतना क्रोधित हो गए थे, उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्रों को श्राप दे दिया था। क्या श्राप दिया था, तुम जिस प्रकार नारी के भेष धर के गर्भवती का नाटक करके हमें परेशान किया, इसलिए
तुम सचमुच तुम गर्भवती बन जाओगी। एक लोहा का जो अंश तुम्हारा गर्भ से जन्म लेगा और उसी लोहे वो तुम्हें कष्ट देगा, दुख देगा और क्या करेगा, तुम्हारा सर्वनाश करेगा। जी हाँ, इस तरह का लिखा गया है हिंदू धर्मशास्त्र में। सचमुच वो क्या हुआ, गर्भवती हुआ गया। एक लोहे का अंश को उन्होंने जन्म दिया। तो ऋषियों ने क्या श्राप दी थी, तुम सचमुच गर्भवती हो जाओगे, तो तुम्हारे गर्भ से एक लोहा निकलेगा। उसी समय सचमुच ऐसे ही हुआ था। तो इसी कारण से कृष्ण और उनकी जब पुत्र है उनके लिए उनके लेकर सारे जगहों में बदनाम होना शुरू हो गया। ये सब देखकर उस नगर का जब इस नगर का जो बूढ़े लोगों ने थे उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया जो कोई भी मदिरापान ना करे, मतलब कोई भी दारू ना पिए, छल कपट ना करे, धोखाबाजी ना करे, क्योंकि उस नगर में हर घर में दारू तैयार किया जा रहा था और सारे लोग पाप में डूबे हुए थे। भाई भाई के साथ, बेटा बाप के साथ छल कपट करता था। उन लोगों का पाप पूरी तरह से चरम सीमा में पहुंच गया था। इंसान के जैसे जानवर में से भी अप्राकृतिक चीज दिखाई दे रहा था। उसी टाइम क्या हुआ, जो नेवला ने चूहे का जन्म देना शुरू कर दिया और बिल्ली ने कुत्ते को जन्म देना शुरू कर दिया था। ऐसे कुछ हुआ था और पुरुष पुरुष के साथ, नारी नारी के साथ काम वासना में आकर्षित होकर पाप किया करते थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ युद्ध करके खुद का नुकसान किया करते थे। कृष्ण का जो बेटे लोग थे उन्होंने ही एक दूसरे को हत्या किया और पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और इससे क्या पता चला, श्री कृष्ण ने जो पाप किया था, श्री कृष्ण ने जो काम किया था उनका काम का परिणाम सामने आ गया था। जैसे शत्रुता उत्पन्न करके भाई भाई के बीच लड़ाई करवाया था, इसी तरह श्री कृष्ण का पुत्रों का हालत भी ऐसा कुछ हो गया था। मिस्र में जैसे हुआ था, परमेश्वर क्या किया था, उन्होंने बहुत सारी विपत्ति घटाई थी, ठीक उसी प्रकार द्वारिका में भी हुआ था। जैसे कि मिस्र में फेमिन हुआ था और जितने भी मेंढक थे उनका उनके द्वारा परमेश्वर ने दंड लाया था मिस्र देश में, उसी प्रकार द्वारिका का अवस्था भी, सिचुएशन भी ऐसे हुआ था। और एक दिन द्वारिका में चूहों ने हमला कर दिया, बहुत सारे लोगों का नुकसान किया। काटने के लिए भागा उनों के पीछे, लोगों ने डर के मारे घर में छुप गए। किसी व्यक्ति का उन्होंने जो केस था केस को काट दिया, तो किसी को सांघातिक रूप में चोट पहुंचाया। कृष्ण का जो पुत्र थे उन्होंने एक दूसरे को हत्या करना शुरू कर दिया और पूरी तरह से समाप्त हो गए। श्री कृष्ण के जो भाई बलराम थे उन्होंने बहुत मात्रा में दुखित हुए और समाधि होकर बैठ गए और मर गए। उसके बाद उनके शरीर से सांप की आत्मा निकल गया और उस सांप पानी के अंदर चला गया।
कृष्ण कृष्ण भी इस घटना को लेकर वह चिंतित हुए, उन्होंने नहीं सह सके। उन्होंने दुखित होकर जंगल के अंदर चला गया। जब वो जंगल में सो रहे थे, तब जरा नाम का एक शिकारी कृष्ण को हिरण समझकर उन्होंने तीर मार दी और श्री कृष्ण उधर ही मर गए। उसके बाद उनका नगर, जिसको सोने का नगर कहा जाता था, वो द्वारिका पूरी तरह से पानी में डूब गया। ये सब देखकर जो पांच पांडव थे, वो रो रो कर श्री कृष्ण के लिए विलाप करने लगे। और कुछ दिन के बाद श्री कृष्ण के पिता और उनकी पत्नियों का भी मौत हो गया और सब कुछ समाप्त हो गया, खत्म हो गया। पूरी तरह से उनका वंश ही नाश हो गया, श्री कृष्ण का सब कुछ बर्बाद हो गया। तब अब हम देखेंगे श्री कृष्ण के साथ जो कुछ भी हुआ वो किया यहोवा परमेश्वर की ओर से हुआ था, हाँ या नहीं? उत्तर है हाँ, हुआ था। श्री कृष्ण खुद कहा था, सारे बुद्धि उनके पास है, सारे बुद्धि मेरे पास है, मैं बुद्धिमान हूँ। और श्री कृष्ण का धन और संपत्ति इतना था, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप देखिए, उन्होंने जो नगर बनवाया था, द्वारिका नगर, वो सोने का नगर था। अगर हम पढ़ेंगे यह जगह, उसका 28 चार से लेकर सात तक, इधर इस तरह लिखा गया है, तूने अपने बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया, जिससे तेरा धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल उठा है। इस कारण परमेश्वर यहोवा यों कहता है, तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है, इसलिए देख, मैं तुझ पर ऐसे परदेशियों से चढ़ाव कराऊंगा जो सब जातियों से अधिक क्रूर है। वे अपने तलवार तेरी बुद्धि की शोभा पर चलाएंगे और तेरी चमक दमक को बिगाड़ेंगे। आपको जानने के लिए मैं ये चीज बता देता हूँ, ये जो जरासंध नाम का जो राक्षस था, वो श्री कृष्ण के ऊपर बार बार आक्रमण किया था। उन्होंने श्री कृष्ण का नगरी से नारियों को जोर जबरदस्त उठाकर ले जा रहा था। वो बहुत क्रूर स्वभाव का था। और 28 का 8 ऐसे लिखा गया है, वे तुझे कब्र में उतारेंगे और तू समुद्र के बीच के मारे हुओं की रीति पर मर जाएगा। जी हाँ, द्वारिका नगर कहाँ था? समुद्र में था। और वो कहाँ डूब गया? समुद्र में ही डूब गया। आजकल जो हिंदू लोगों ने, उन्होंने कहते हैं समुद्र के अंदर द्वारिका नगरी मिला। देखो हमारा धर्म कितना पुरातन है, तो द्वारिका नगर समुद्र में डूबा क्यों? इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जो क्रिश्चियन लोगों को तुम भारत से बाहर करने के बारे में सोच रहे हो, वही क्रिश्चियन लोगों का यहोवा परमेश्वर है द्वारिका नगर को समुद्र में डुबा दिया। यदि श्री कृष्ण खुद को ईश्वर कह रहा था, उसका अर्थ ये नहीं कि वो सचमुच परमेश्वर है। वो तो सिर्फ एक इंसान ही है, जैसे यह जिकल 28 का 2 में लिखा गया है, हे मनुष्य के संतान, स्वर के प्रधान से कहा, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, तूने मन में फूल कर यह कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ
परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है तो भी तू ईश्वर नहीं मनुष्य ही है। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने कहा था, मैं ही परम प्रधान हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, परमात्मा हूँ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा, जब खुद को परमात्मा कहता है उनको इसे क्या आवश्यकता हुई? वो बहुत सारे नारियों के साथ रास लीला करेगा, उनको इसे क्या आवश्यकता हो गया? श्री कृष्ण की 8 पत्नी थे, प्रमुख पत्नी थे, उनका नाम था रुक्मिणी, सत्यभामा, जम्बापति, कालिंदी, मित्रविंदा, नग्नजीत, भद्रा, लक्ष्मणा। ये सब ईश्वर नहीं है, ये भेलाने वाला वो क्या है? इंसान है। क्योंकि देखिए बलराम जब मर गया उनमें से, उनके अंदर सांप की आत्मा निकला। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता। और एक चीज आप देखेंगे, श्री कृष्ण को विष्णु की अवतार रूप में माना जाता है। अगर हम विष्णु को भी देखेंगे, वो किधर रहता है? और समुद्र के बीचों बीच रहता है, और उनकी पत्नी लक्ष्मी वो भी समुद्र के बीचों बीच रहता है। तो सबको जय मसीह की, फिर मिलेंगे और एक वीडियो में। सबको जय मसीह।